तो फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी। देख सकते हो कितना पानी पानी लग गया है और देखो मेरी आवाज़ भी बदली हुई है क्योंकि मेरी तबीयत 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब पेट में दर्द, बुखार भी है, पूरी बॉडी में मतलब पेन हो रहा है। मतलब कितना बीमारी बताऊँ समझ में नहीं आ रहा है। अभी जाके हम लोग, मेरा भी तबीयत ख़राब है, मेरी मुझसे ज़्यादा मेरी दीदी का तबीयत ख़राब है। देखो कितना पानी लग गया, इतना बारिश हो रहा था ना, मैं सोच रही थी मैं शूट करूँ लेकिन तबीयत जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरा भी है, तो देखो मेरी दीदी भी बैठी है, उनका भी तबीयत ख़राब है एकदम। हाय बोल दीजिए दीदी। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो बैठी हुई है, देखो इनका चेहरा भी उतर गया है। कैसे हैं अभी? तो फ्रेंड्स हम दोनों की मतलब इनका जब तबीयत खराब होता है ना, ऐसा क्यों, इनका जब तबीयत खराब होता है तो मेरा भी हो जाता है। इनको जो होता है ना वही मुझे भी होता है, क्यों? तो देखो इस समय हम लोग ना मतलब रोटी खाए, ये रोटी खाई आप जो कुड़कुड़ वाला था है? तो देखो ये रोटी पता है ऐसे रोटी नहीं खाती है, तावा पे ना उस रोटी को मतलब होता है ना पापड़ जैसा बनाया जाता है। हाँ कहीं रखी है वो थोड़ा सा, तो पापड़ जैसा हो जाता है उसको ज़्यादा देर रखने पर। तो ये वो रोटी खाती है और मैं चोखा रोटी खाई हूँ। अब मेरे घर पे ठीक से खाना भी नहीं बन रहा है, दोनों की तबीयत एकदम सीरियस ख़राब है। क्या बताएं, दवाई वगैरह खाए हैं लोग, देखो अभी थोड़ी बहुत उतना भी ठीक नहीं हुआ है लेकिन फिर भी देख सकते हो कितना काम पड़ा हुआ है। तो मैं ब्लॉग भी नहीं बनाने वाली थी और वीडियो भी नहीं बना रही हूँ कुछ समय से, लगातार 3-4 दिन से तबीयत ख़राब है। पहले मेरा हुआ, उसके बाद दीदी का। आप लोगों को पता ही है काम करने वाला भी नहीं है कोई, मम्मी घर पे है। तो देखो दीदी बैठी हुई है। हाँ तो फ्रेंड्स फिर से देख सकते हो बारिश होने लगी, देखो मौसम देखो, मैं ऊपर का दिखा देती हूँ तो मेरा फोन भीग जाएगा। ठीक है, तो देखो बर्तन वगैरह पड़ा है, इसको मैं जा रही हूँ धोने और इधर का देखो पूरा सामान वगैरह इकट्ठा हो गया है। तो ब्लॉग में आगे तक बने रहो, क्या ही दिखाए, बस तबीयत खराब है यही बोलना था। सपोर्ट करना, वीडियो मैं ठीक से नहीं बना पा रही हूँ, ठीक से क्या बिल्कुल भी नहीं बना पा रही हूँ। मेरी खुद की तबीयत खराब है, मेरी दीदी की भी तबीयत खराब है, आवाज़ भी एकदम चेंज हो गया है। तो सपोर्ट करना ठीक है और बने रहो आगे तक, देखो क्या क्या होता है पता नहीं। अभी तो देखो कितना तेज बारिश होने लगी, देख सकते हो। यही था मतलब, इतना अफसोस हो रहा है कि बारिश हो रहा है पर शूट नहीं हो पा रहा है, पर कोई नहीं। दीदी बोल दीजिए, देखिए कैसे शीशा की तरह दिख रही है। एकदम ऊपर कैमरा करी हूँ। चलिए वहाँ पे बारिश हो रहा है, भीगने पर और ज़्यादा बुखार आ जाएगा। तो फिर जा रहे हम लोग काम करने, ब्लॉग में आगे तक बने रहो। फिलहाल मैं जा रही हूँ पानी लाने, ठीक है, देखो क्या क्या होता है और सपोर्ट करना। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो, देखो सूट हो गया है, जितना भी काम था वो सारा काम कंप्लीट हो गया है। और आप सभी को पता ही है तबीयत खराब है तो थोड़ा सा मुश्किल है काम, सूट फिर भी सूट किया हमने और काफ़ी मेहनत लगा, हमेशा से ज़्यादा मेहनत लगा आज क्योंकि तबीयत खराब है। तो आप सभी को पता ही है मतलब तबीयत खराब हो तो कोई काम करने में कितना दिक्कत होता है, लेकिन फिर भी हमने मेहनत किया। और देखो मैंने लिपस्टिक वगैरह, अभी तक मेरा थोड़ा बहुत मेकअप है, वैसे भी मेकअप में क्या करती हूँ, सिर्फ क्रीम मैंने लगाया, फिर भी मैं इतनी गोरी हूँ क्या करें।
तो मैं बता दूं मैं गोरी क्यों लग रही हूँ, देखो इधर देखो कैसी दिख रही हूँ। और जो ये मेरा सीढ़ी है ना, मेरा फेवरेट जगह है, तो मैं ब्लॉग हमेशा यहीं पे बनाती हूँ। देखो ये सीढ़ी है, इधर देख रहे हो ये सीढ़ी है, और मैं देखो कितनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, और खाना बन गया मेरे घर पे। खाना बना है आलू सोयाबीन और चना ना दीदी, आलू सोयाबीन चना की सब्जी, चावल, और देखो दीदी रोटी खा रही है। मैं जा रही हूँ चावल खाने क्योंकि मुझे सूट करना होता है, ठीक है, तो अगर कमजोरी हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन ये रोटी खा रही है, इनका रोटी से चल जाएगा ना। तो फ्रेंड्स हम लोग फिलहाल जा रहे हैं खाना खाने, देख सकते हो खा गए पूरा क्या खाना खा ली। देखो मैं जितना देर ब्लॉग में एडिट कर रही थी डालने के लिए, उतना देर में ये खाना खा ली। और ऐसा ही होता है, खाना निकला जाता है मेरा तो मैं ब्लॉग एडिट करने लगती हूँ, ब्लॉग एडिट करते करते ये खाना खा लेती हैं, तब मैं जाके कार्टून चलाती हूँ उसके बाद खाना खाती हूँ, क्योंकि हम ना देख सकते। हाँ हाँ हम तो एडिट करते हैं। तो फ्रेंड्स सुबह सुबह मेरा क्या काम है, एडिट करना और शूट करना है। तो हम लोग कार्टून देखते हैं ना दीदी, खाना खाते खाते बताना किस किस को ये बैड नहीं, बहुत लोग देखते हैं ना, हम लोग देखते हैं, बिना देखे खाना खा ही नहीं सकते हम लोग, कुछ ना कुछ देखना होता है, तो कार्टून ही देखते हैं हम लोग कार्टून ज्यादातर। तो बताना कौन कौन ऐसे देखता है कार्टून और खाना खाता है। हम तो जा रहे हैं कार्टून चलाने, इसी फोन से चलाना है भाई, एक ही फोन है मेरे पास, तो सपोर्ट करना, अपना ढेर सारा प्यार देना, कमेंट में जरूर जरूर बताइएगा ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को। और फ्रेंड्स आप सभी की सपोर्ट की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो सपोर्ट करो, मेरा चैनल तो नीचे गिरते जा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं लगातार मेहनत कर रही हूँ, ठीक है, मैं अपना पूरा मेहनत दे रही हूँ, पर फिर भी पता नहीं क्यों, सपोर्ट करो ठीक है। और थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट इतना प्यार के लिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में और धमाकेदार ब्लॉग में, देखो क्या ब्लॉग होने वाला है। तो बाय बाय बोल दीजिए दीदी, लव यू ऑल माई यूट्यूब फैमिली, बाय।